नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिंदास गुरुजी यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बाथरूम की नाली में आने वाले कॉकरोचों से छुटकारा पाने के आसान टिप्स। दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी है वह मिल सके। घर में कॉकरोचों की समस्या एक आम बात है। अक्सर नमी वाले स्थानों जैसे किचन सिंक की नाली, बेसिन के आसपास के हिस्से या फिर बाथरूम की नाली के आसपास कॉकरोच नजर आते हैं। यदि आप घर में एक भी कॉकरोच को जिंदा या मारा हुआ देखते हैं तो ये कई तरह के संक्रमणों को जन्म दे सकते हैं। कॉकरोच की वजह से आपके हाथों पर संक्रमण हो सकता है, खाने की चीजों को नुकसान पहुंचाकर ये फूड पॉइजनिंग कर सकते हैं और गंदगी का मुख्य कारण बन सकते हैं। घर में कॉकरोच का प्रवेश मुख्य रूप से किसी भी नाली वाले भागों से ही होता है। कॉकरोच बाथरूम की नाली से बाहर निकलकर आपके किचन में रखी सामग्रियों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। वास्तव में कॉकरोच से छुटकारा पाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन इन्हें घर से दूर करना बहुत जरूरी है। अक्सर कॉकरोच बाथरूम की नाली में अपना घर बना लेते हैं और जल्दी ही अपनी संख्या बढ़ाकर पूरे घर में घूमते नजर आते हैं। अगर आप घर के बाथरूम की नाली में होने वाले कॉकरोच की समस्या से परेशान हैं, तो यहाँ बताएं कुछ आसान टिप्स से इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। कॉकरोच नाली से क्यों निकलते हैं? आमतौर पर कॉकरोच गर्म, नम, अंधेरे वातावरण में ज्यादा संख्या में पनपते हैं और छोटी छोटी दरारों से भी घरों में प्रवेश करने में माहिर होते हैं। मुख्य रूप से नाली के रास्ते से ये घरों में प्रवेश करते हैं। बाथरूम या किचन की नाली से आने वाले कॉकरोच अमेरिकन कॉकरोच होते हैं। वैसे तो ये कॉकरोच सीवर में रह सकते हैं, लेकिन कई बार भारी बारिश के साथ बाढ़ के पानी से बचने के लिए ये घर के पाइप में रेंगकर बाथरूम तक आ जाते हैं, जिससे आपके घर में इनकी समस्या बढ़ सकती है। आपके पाइप में छोटी दरारें या छेद कॉकरोच के अंदर घुसने का एक अच्छा तरीका है और बाथरूम के पाइप कॉकरोचों के संक्रमण के लिए एक अच्छा स्थान बन जाते हैं। कॉकरोच की समस्या से कैसे पाएं छुटकारा? बेकिंग सोडा का करें इस्तेमाल। बेकिंग सोडा कॉकरोच से छुटकारा पाने के सबसे तेज और आसान तरीकों में से एक है। इसके लिए आप बेकिंग सोडा को बाथरूम की नाली के आसपास जहां कॉकरोच ज्यादा आते हैं वहां छिड़क दें। सबसे पहले कोशिश करें कि बाथरूम की नमी अच्छी तरह से सुखा ले। सूखे बाथरूम में एक चम्मच बेकिंग सोडा नाली के चारों तरफ छिड़के और रात भर के लिए छोड़ दें। ऐसा करने से कॉकरोच बेकिंग सोडा की खुशबू से ही दूर भागने लगते हैं और नाली के बाहर नहीं निकलते हैं। नाली के भीतर के कॉकरोच को दूर भगाने के लिए लगभग एक कप गुनगुने पानी में 2 चम्मच बेकिंग सोडा डालें और इस घोल को नाली के भीतर डालें। इससे नाली के अंदर के कॉकरोच मर जाते हैं और उनकी संख्या में वृद्धि भी नहीं होती है। बोरिक एसिड का इस्तेमाल। बोरिक एसिड मुख्य रूप से कीटों के लिए हानिकारक है और यह बाथरूम की नाली से कॉकरोच दूर करने का अच्छा तरीका है। जब कॉकरोच बोरिक एसिड के संपर्क में आते हैं तो यह उनके पैरों और पंखों से चिपक जाता है। जब वे पाउडर को निगलते हैं तो यह उनके तंत्रिका और पाचन तंत्र पर कार्य करता है और उन्हें मारने का काम करता है। बाथरूम की नाली के आसपास और भीतर बोरिक पाउडर का छिड़काव करें और इसे रात भर के लिए छोड़ दें। इससे नाली के भीतर के कॉकरोच मर जाएगी और घर में गंदगी भी नहीं फैलेगी। सफेद सिरका का करें इस्तेमाल। कॉकरोच से बचने का एक प्रभावी उपाय सफेद सिरका का इस्तेमाल करना है। इसके लिए सिरका और पानी की बराबर मात्रा को अच्छी तरह मिलाकर घोल तैयार करें। तैयार घोल को नाली में डालें और कॉकरोच से छुटकारा पाएं। इसके इस्तेमाल से कॉकरोच भाग जाते हैं और नए कॉकरोचों के प्रवेश को भी सिरके की गंध भीतर नहीं आने देती है। बोरेक्स पाउडर का करें इस्तेमाल। बोरेक्स एक आसानी से उपलब्ध और कपड़े धोने का उत्पाद है जो कि कॉकरोच को मारने के लिए उत्कृष्ट है। सर्वोत्तम परिणामों के लिए बराबर भागों में बोरेक्स और चीनी मिलाएं। इस मिश्रण को कॉकरोच वाले किसी भी स्थान पर डालें। जब कॉकरोच बोरेक्स के संपर्क में आएंगे तो इसका सेवन उन्हें तेजी से मार देगा।
गर्म पानी का इस्तेमाल बाथरूम की नाली वाले हिस्से में बीच बीच में गर्म पानी डाले। ये नाली के भीतर किसी भी गंदगी को जमा होने से रोकता है। बाथरूम की गंदगी कॉकरोच के होने का मुख्य कारण है, इसलिए जब बाथरूम साफ होगा और किसी तरह की गंदगी मौजूद नहीं होगी तो कॉकरोच नहीं होंगे और गर्म पानी के प्रभाव से नाली के भीतर के कॉकरोच भी मर जाएंगे। कॉकरोच के प्रवेश को कैसे रोके? बाथरूम में मौजूद किसी भी दरार या छेद को बंद करना कॉकरोच से बचाव का एक अस्थायी सुधार हो सकता है। इसके लिए किसी प्रोफेशनल की मदद भी ले सकती है। टपकने वाले नल या पानी के स्रोतों का पता लगाकर उन्हें पानी बहने से रोके। नमी वाली जगह में कॉकरोच बहुतायत में आते हैं। बाथरूम के ड्रेन पाइप के चारों ओर किसी भी दरार और छेद को सील करें, क्योंकि ये क्षेत्र कॉकरोच के लिए प्रवेश बिंदु हो सकते हैं। बाथरूम में वॉश बेसिन के नीचे पाइप के चारों ओर किसी भी छेद या दरार की जांच करें और इसे बंद करने की कोशिश करें। बाथरूम के आउटलेट की जांच करें कि कहीं जाली टूटी या जंग लगी न हो जो कॉकरोच के प्रवेश का कारण बने। उपर्युक्त सभी उपाय आपके बाथरूम की नाली से आने वाले कॉकरोचों को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं और आपको इस समस्या की वजह से किसी भी तरह के नुकसान से बचा सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, कृपया वीडियो को एक छोटा सा लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।